इंदौर में बदमाशों का आतंक जमकर सामने आ रहा है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के सियागंज में। सियागंज के व्यापारियों से अवैध तरीके से वसूली करने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही और पकड़े गए आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई भी की। इसी के साथ सियागंज व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस जवानों को भी तैनात किया है और व्यापारियों को भी सख्त हिदायत दी है कि कोई भी बदमाश क्षेत्र में यदि अवैध तरीके से वसूली करता है तो तुरंत इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी जाए। वहीं क्षेत्रीय थाना प्रभारी को भी व्यापारिक क्षेत्रों में गश्त करने के निर्देश दिए हैं और बदमाशों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सियागंज क्षेत्र में जो मजदूरी करते हैं उन लोगों की सूची बनाने के निर्देश भी SP ने दिए हैं। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरह से व्यापारिक क्षेत्रों में गुंडे और बदमाशों के द्वारा व्यापारियों से वसूली करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसको देखते हुए पुलिस किस तरह की कार्रवाई इन गुंडों के खिलाफ करती है। हाँ, इसमें कल एक कुछ व्यापारियों ने रिपोर्ट किया था कि कुछ बदमाश टाइप के लोग हैं जो कि गलत हरकत कर रहे थे सियागंज में। उस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनको जो है उनपे चाकू और छुरे भी मिले थे, उस पर आमशक्ति की कार्रवाई की गई है। इसमें जो है जितने भी ये आरोपी हैं सभी पे NSA की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सियागंज में ऑलरेडी एक आर्म्ड गार्ड 1-4 का परमानेंट वहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है जो कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए रहेगा। इसके अलावा डायल 100 का जो नोडल पॉइंट है वो भी सियागंज में हम लोग बना रहे हैं। साथ में जितने भी हम्माल हैं वहाँ पे सियागंज में काम करने वाले हैं सारे हम्मालों की लिस्टिंग और उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है यदि कोई है तो उसका वेरिफिकेशन वो भी सब हम लोग करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP, इंदौर।